नहीं होंगे। साथियों, छात्र संघ का चुनाव नहीं होना, ये आम परिवार, किसान परिवार से आने वाले छात्र और छात्राओं की राजनीति को कुचलने का कार्य है, उनकी राजनीतिक हत्या का काम है। इस लोकतंत्र की हत्या को ये प्रदेश की तमाम छात्र शक्ति कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, इस फैसले को हम स्वीकार नहीं करेंगे। साथियों, इन्होंने जो इस फैसले को लिया उसमें दो तीन आधारहीन तथ्य इन्होंने शामिल किए। पहला तथ्य इनका ये था कि संपूर्ण विश्वविद्यालय के कुलपतियों से वार्ता की, कुलपति नहीं चाहते कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कुलपति तो कभी भी चाहेंगे कि छात्र संघ चुनाव हो, क्योंकि कुलपतियों की नींद को हराम करना, उनकी उनको नींद चैन से नहीं लेना देना, उनकी नाक में नकेल डालने का कार्य अगर कोई करता है तो विश्वविद्यालय और कॉलेज में छात्र नेता करते हैं। आपके हकों और अधिकारों के लिए लड़ते तो छात्र नेता लड़ते हैं। कुलपतियों का कहना था कि इस शिक्षा नीति को हम लागू नहीं कर पाएंगे, तो मैं उन कुलपतियों को भी कहना चाहती हूँ कि हमें भली भांति पता है कि आप उस शिक्षा नीति को लागू नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमने आपकी कार्य प्रणाली को अच्छी तरह से देखा है। एक और एग्जाम थे, उसमें भी आपको एक विद्यार्थियों का एक उचित मूल्यांकन करना होता है, वो आप नहीं कर पाते थे। आप आलसी है, काम छोड़ रहे, समय रहते इस कुर्सी को छोड़ के स्वविवेक से इस्तीफा देकर घर बैठ जाना चाहिए, जिसमें कार्य करने की संस्था और विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक सोच होगी, वही कुर्सियों पे बैठेंगे जिनसे ना तो कुलपतियों आपको परेशान होना पड़ेगा, ना राजस्थान की सरकार को परेशान होना पड़ेगा, ना आप और हमको परेशान होना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री दूसरा तृतीय लिंगो कमेटी के अवहेलना का उन्होंने बताया, तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि जब सरकार के चुनाव होते हैं, विधानसभा के होते हैं, पंचायत चुनाव के होते हैं, उनमें आप नियमों की कहां तक पालना करते हैं आप भी भली भांति जानते हैं, हम भी जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो स्वयं प्रदेश के सोने कोने पे अरबों रुपए खर्च करके जो पोस्टर और बैनर का खर्चा कर रहे हैं, वो भी आपके नियमों में कहां तक सही है, इसकी और भी हमने आपको ध्यान आकर्षित करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को वो दिन भी याद दिलाना चाहती हूँ कि आप जिस पद पर अभी विराजमान है उस पद तक पहुँचने के लिए जो आपने छात्र संघ चुनाव का सहारा लिया था, पहली सीढ़ी आपने छात्र संघ चुनाव लड़के क्रॉस की थी, वही आज छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए हम भी छात्र नेता विश्वविद्यालय के मैदान में है। आप उन बातों का भूले नहीं, जैसे आपका भविष्य छात्र संघ चुनाव से ऊंची राजनीति का जुड़ा हुआ था, वैसा का वैसा हजारों हजार किसान परिवार के बच्चों का जुड़ा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके इस फैसले को हम स्वीकार करते हैं। ये प्रदेश की तमाम छात्र शक्ति, इन्होंने लिखा है कि दो मिनट का समय है, भाई साहब मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अब बीच में विराजमान हमारे आदरणीय एमपी साहब जो दिल्ली की पार्लियामेंट में एक एक मिनट दो दो मिनट करते हुए 10 मिनट निकाल सकते हैं, ये तो हमारे घर का मंच है, यहाँ पे 5-7 मिनट हम निकाल भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं। साथियों, इस लड़ाई में हमारा सहयोग देने के लिए हमारे बीच में पधारे आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, आपके हम ऋणी रहेंगे। हम भी किसान परिवार से आने वाले छात्र और छात्राएं हैं, हम इस रोध को सुखाने का भरपूर प्रयास करेंगे। जब भी आपको जरूरत पड़े हमारी, आप याद कर लेना, जो आपकी ताकत थी उससे दुख की ताकत के साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम आपके साथ खड़े होंगे सरकार के लिए। दो आसमान बेरंग है, बेरंग ही सही, धरती तक है तक ही सही, हमको लोकतांत्रिक तरीके से अमन चाहते हैं, जंग नहीं, मगर सरकार की जीत है जंग, तो साथियों जंग ही सही, जंग ही सही। इसी शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी यहाँ पे पधारे, इस छात्र महापंच